so good morning to all of you today we will be having our fifth lecture on our bridge course okay that is a basic concepts today we are, uh, you are we are going to cover these nuts and washers in earlier lecture we have studied different types of bolts screws okay which we are used okay in our automobile applications now in today's lecture <clears throat> uh, the next part we are going to see okay now see here what is this nuts okay now you are, you are seeing this uh, nut is used okay with these bolts to join or to keep two parts उसका पोजिशन में से उसका मोशन नहीं होना चाहिए वो मोशन अवॉइड करने के लिए हम ये नट यूज करते है ठीक है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बोल्ट के जैसे जैसे अलग ग्रेड होते है. ठीक है उसी हिसाब से नट्स के भी अलग अलग यहाँ पे ग्रेड्स होते हैं अभी आप यहाँ पर देखिए ये अपना हेक्सागोनल नट है उसको हम हेक्स नट भी बुलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऐसा आपको देखा ये ग्रेड नंबर टू के नट के ऊपर कुछ मार्किंग नहीं है ग्रेड नंबर फाइव के नट के ऊपर ऐसा दो मार्किंग है ग्रेड नंबर एट के इसके ऊपर ऐसा मार्किंग है ठीक है ये मार्किंग के हेल्प से हम नट को आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है थीके? तो मार्किंग नट के ऊपर भी हो सकता है या नट के साइड के हिस्से में भी ऐसा मार्किंग हो सकता है जैसे हमने देखा था कि मार्किंग का क्या सिग्निफिकेंस है ऐसा मार्किंग और ऐसा ग्रेड का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये ग्रेड्स अपने को बताती है कि ये नट कौन से मटेरियल का बना है और उसका स्ट्रेंथ कितना है कौन सा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ठीक है अभी टेन साइज का सिग्निफिकेंस क्या है टेन टेंस आपने को बताता है कि जो नट है वो नट आपने को कितना फोर्स कितना टॉर्क एग्जर्ट कर सकता है विथआउट फेलियर ठीक है तो ये अपना ग्रेड्स का सिग्निफिकेंस है तो यहाँ पर देखियो कि फर्स्ट पॉइंट क्या आपने को मालूम होना चाहिए द ग्रेड ऑफ नट यूज मस्ट मैच द ग्रेड ऑफ बोल्ट दैट इज यूज विथ जो ग्रेड का हम नट यूज करते हैं उसी ग्रेड का हम बोल्ट के साथ उसको इस्तेमाल करना चाहिए क्यों कहना चाहिए देखो क्या हो जाता है कि सपोज अगर आपने ग्रेड एट का नट अगर यूज किया विद ग्रेड वन ऑफ बोल्ट अगर बोल्ट का ग्रेड अलग है नट का ग्रेड अलग है तो क्या हो जाता है तो इसमें देखिए कि ग्रेड एट का नट अगर आपने यूज किया तो क्या हो जाएगा कि आपका जो ये है अलग अलग ग्रेड का मटेरियल के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है कॉम्बिनेशन पे होता है जो बोल्ट एंड जो नट होता है ना उनके जो थ्रेड्स होते हैं यहाँ के अंदर का जो पार्ट होता है इसके अंदर ऐसा थ्रेड होता है वो थ्रेड और जो थ्रेड्स होते हैं नट के और बोल्ट के ये दोनों में फ्रिक्शन होता है अभी जो फ्रिक्शन होता है तो एक मटेरियल का स्ट्रेंड ज्यादा है दूसरे मटेरियल का स्ट्रेंड कम है इसके वजह से क्या हो जाएगा जो मटेरियल का स्ट्रेंथ कम है उसको वो जल्दी खराब हो जाएगा जल्दी उसका फ्रिक्शन होके वो डैमेज हो जाएगा और जो मटेरियल का स्ट्रेंथ ज्यादा है उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो इसके वजह से क्या हो जाएगा दोनों के बीच में ऐसा प्ले आ जाएगा गैप आ जाएगा और ये गैप अपने को अनडिजायरेबल है इसीलिए जो नट एंड बोल्ट हम यूज करेंगे वो दोनों का ग्रेड सेम होना चाहिए ओके okay. अभी कैसा होता है कि नट्स एंड बोल्ड के अलग अलग मैन्युफैक्चर हो सकते हैं नट स्टैंडर्ड है बोल्ड का भी स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड होता है लेकिन मैन्युफैक्चरर अलग अलग होते हैं लेकिन हरेक को उसके ग्रेडिंग के हिसाब से उसके ऊपर ऐसा मार्किंग करना जरूरी है ठीक है तो देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे ऐसा मार्किंग हो सकता है जैसे डैश डैश का कभी कभी ऐसा पॉइंट का भी मार्किंग हो सकता है ठीक है ना तो हर एक हिसाब से अलग अलग मार्किंग अपने को होता है ठीक है सम आर मार्क्स ऑन दॉप एंड अदर्स आर मार्क्स ऑन दाइड ग्रेड एट नट्स आर ऑलवेज मार्क बट ग्रेड फाइव नट समाइम्स ऑन मार्क्स जो ग्रेड एट का नट होता है ना उसको हमेशा मार्किंग होता है ये अभी हमने ध्यान में आया है अभी ग्रेड एट का नट हमेशा अपने लिए अच्छा होता है तो ये जो ग्रेड एट के जो नट्स होते हैं बोल्ट होते हैं ये हम कहां पे यूज करते हैं ऑटोमोबाइल के अपना स्टेयरिंग के लिंकेजेस ब्रेक्स सस्पेंशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं जहां पे नट्स एंड बोल्ट यूज करता है वहां पे हम ग्रेड एट का नट्स एंड बोल्ट यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज ट्वेल्व पॉइंट नट इज फाउंड वर्क तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पेक्सोगानल नट है उसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशन में हम ये लेकिन कभी कभी हम 12 पॉइंट ये देखो यह hexagonal है ये 12 पॉइंट नट है ठीक है ये ट्वेल्व पॉइंट नट भी हम कभी कभार यूज करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर देखिए ट्वेल्व पॉइंट में यहाँ पर देखिए यहाँ पे सिक्स ऐसा सर्फेसेस है या अपना हेक्सागोनल में तो यहाँ पर कितना है यहाँ पे ट्वेल्व सर्विस ठीक है अभी इसके हिसाब से अभी सॉकेट भी आपने को ये करना पड़ता है यूज करना पड़ता है तो अभी ये सिक्स पॉइंट सॉकेट है विल नॉट वर्क ऑन दिस पॉइंट ये nut ये के ऊपर का जो सॉकेट है वो नहीं यूज हो पाता लेकिन ये ट्वेल्व पॉइंट सॉकेट कैन बी यूज ऑन दिस सिक्स पॉइंट नट ये इसका जो सॉकेट है हम इस सिक्स के सिक्स पॉइंट नट है इसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं ठीक है ओके okay. तो so, किसी को यहां पे दिक्कत है तो अभी पूछ लो ठीक है आई एम सेंडिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल दो बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आक्स मी तो नेक्स्ट है अभी यहाँ पर देखिए ये जो नट होता है ठीक है दिस वन इज द बोल्ट ठीक है और यहाँ पे है अपना नट यहाँ पे है अपना ये है बोल्ट और यहाँ पे है अपना नट ठीक है तो यहाँ पर देखिए इसका ये जो बोल्ट है ये बोल्ट के थ्रेड से ठीक है ये बोल्ट के थ्रेड्स के साथ यहाँ पे के जिन नट के यहाँ पे थ्रेड एक दूसरे के साथ यहाँ मैच हो रहा है तो यहाँ पर देखिए मैचिंग कहाँ पे होता है ये जो सरफेस है ये सरफेस का ये नट के ऊपर ऐसा ऊपर फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पे यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई होता है फोर्स अप्लाई होता है फोर्स होता है लेकिन ये जो फोर्स होता है ना वो हर एक कॉन्टेक्ट के ऊपर सेम नहीं रहता ये अलग अलग रहता है ठीक है अभी यहाँ पर देखिए नट्स मस्ट बी स्लाइटली सॉफ्टर देन द बोल्ट दैट इज मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए ये जो नट है ना ये नट ये नट का मटेरियल ये बोल्ट के मटेरियल से थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ये हमेशा एक रूल है क्यों रूल है मालूम है क्या आपने को क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है जो नट एंड बोल्ट नट एंड बोल्ट के बीच का जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन के वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे वेयर एंड टेयर ऑफ सरफेस हो जाएगा अब ये वेयर एंड टेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा कि एक सरफेस ज्यादा अपने को जल्दी उसका फ्रिक्शन हो जाएगा और वो जल्दी डैमेज हो जाएगा ठीक है अभी ये केस में देखो अगर हमने ये जो बोल्ट है बोल्ट का अगर हमने सरफेस क्या किया बोल्ट का सरफेस अगर हमने सॉफ्ट बनाया फॉर एग्जाम्पल हमने बोल्ट का सरफेस सॉफ्ट बनाया और उसके ऊपर ये जो नट है वो नट का सरफेस आकर हमने हार्ड बनाया जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो नट है सॉरी ये जो नट है वो नट क्या होगा नट अपना जल्दी व्यर नहीं होगा इसके वजह अपना जो बोल्ट है ये बोल्ट अपना जल्दी वेयर हो जाएगा क्योंकि ये बोल्ट सॉफ्ट मटेरियल से बनाया है तो बोल्ट आपने को जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा और ये बोल्ट का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नट ठीक है तो अपने को क्या होना चाहिए ये बोल्ट का मिनिमम रिप्लेस होना चाहिए नट हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि नट का कॉस्ट काफी कम है एज कंपेयर टू बोल्ट तो इसलिए हम क्या करते हैं ये जो बोल्ट है ये जो अपना नट है ना ये नट का जो मटेरियल हम बनाने को यूज करते हैं वो हम सॉफ्ट मटेरियल यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल किसके कंपैरिजन में बोल्ट के कंपैरिजन में तो ये जल्दी वेयर हो सकता है तो हम उसको जल्दी रिप्लेस करेंगे ठीक है दी थ्रेड डिस्टॉर्शन इज परमानेंट अभी क्या हो जाता है कि ये थ्रेड्स जो है ये थ्रेड्स का डिस्टॉर्शन हो जाता है डिस्टॉर्शन बोले तो क्या अभी ये जो बोल्ट है ना जब हम नट को बोल्ट के ऊपर टाइट करते हैं ठीक है विथ हेल्प ऑफ स्पैनर और टॉर्क रेंच तो ये जो थ्रेड्स है ना ये थ्रेड्स के वजह में फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है और ये फोर्स की वजह से क्या हो जाता है ये जो थ्रेड है ना ये थ्रेड का जो ये है ट्रेजेक्टरी है या जो थ्रेड का जो शेप है ये शेप थ्रेड का चेंज हो जाता है ठीक है इसका इनिशियल जो शेप है वो बाद में सेम नहीं रहता वो बाद में उसका शेप चेंज होता है और ये चेंज होता है ना ये परमानेंट होता है ठीक है ये ऐसा टेम्पररी नहीं होता ये परमानेंट चेंज हो जाता है और इस टेम परमानेंट चेंज की वजह से क्या हो जाता है ये अपना जो नट है वो नट बाद में अपना ये हो जाता है डैमेज हो जाता है जबी भी हम इसको टाइट करते हैं ठीक है, टाइट करने के बाद इसको इसको यहाँ पे ये अपना पोजीशन ले लेता है यहाँ पे पे इस ये ये जगह पोजीशन ले लेता है तब जब हम उसको टाइट करते हैं ये पोजीशन लेता है तब इसके जो थ्रेड्स है, ठीक है ये ये थ्रेड्स जब पोजीशन में है तब सलामत है मतलब इसको डिस्टॉर्शन होने के बाद इट विल डू इट्स वर्क ऑफ द पोजिशन ऑफ द बोल्ट बट अगर आपने इसको बाद में इसको आपने स्पैनर की हेल्प से उसको अगर आपने आ, लूज किया कुछ ही मेंटेनेंस वर्क के लिए आप उसको लूज करते हैं बोल्ट निकालते हैं तो आप इसको क्या करते जब ये लूज हो जाता है ना और जब हम इसको फिर से जब उसको आ, ये करते हैं उसको हम टाइट करते हैं और बिठाते हैं तब उसका जो टेंशन है ठीक है उसका जो लॉकिंग अरेंजमेंट है उसके पहले के जैसा नहीं रहता कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा स्लैग आता है लूजनेस आ जाता है ठीक है जैसे जैसे हम बोल्ट को उसी तरह निकालने के बाद फिट करते हैं या उसको हम बोलते हैं रियूज रियूज करते हैं ना तब उसका जो टेंशन है वो पहले जैसा नहीं रहता तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने नट्स को एक बार दो बार पांच बार नौ बार ऐसा अगर हमने उसको यूज किया तो उसका टेंशन लॉस हो जाता है तो अभी हमने देखो पहली बार यूज किया तो बीस टक का उसका टेंशन लॉस हो जाता है दूसरी बार किया तो थर्टी थ्री परसेंट उसका टेंशन लॉस हो जाता है पांचवी बार किया तो फोर्टी सेवन और नौवीं बार क्या सिक्सटी परसेंट टेंशन इज लॉस्ट अभी टेंशन लॉस्ट होने के बाद ये अगर हमने कितना भी टाइट करो ये लूज रहेगा कितना भी आप इसको टाइट करें ये लूज करना तो इसके लिए क्या करना है ये आपको ना नट यहाँ पे नया डालना पड़ता है आपको क्या करना पड़ता है इस केस में नट नया डालना पड़ता है तब आपका ये प्रॉपरली टाइट एंड पोजिशन पे रहेगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए फॉर मैक्सिमम सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस नट शुड बी तो यहाँ पर देखो कि कभी-कभी सब जगह पे नट को रि ही किया जाता है लेकिन आपको अगर मैक्सिमम सेफ्टी चाहिए जैसे कि आपका एरोप्लेन में है एरोप्लेन में क्या करते हैं एरोप्लेन में जब इंस्पेक्शन होता है एक नट अगर लूज हो गया तो वहां पे दूसरा नया नट बिठाते हैं वही नट वहां पे यूज नहीं करते क्योंकि वहां पे क्या है सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑटोमोबाइल में क्या होता है ऑटोमोबाइल में करते हैं दो चार बार हम उसको रीयूज करते हैं ठीक है लेकिन सस्पेंशन स्टेयरिंग और ब्रेक के इसमें हम मैक्स टू मैक्स उसको रिप्लेस ही करते हैं क्योंकि आपने को वहां पे टेंशन या टाइटनेस आपने को चाहिए लूजनेस बिल्कुल नहीं चाहिए ठीक है देन पोल्स अदर देन टॉर्क टू हिल्स आर नॉर्मली रिज इन इंजिन रीबिल्डिंग प्रोसेस तो इंजिन इंजिन के रिबिल्डिंग में जो हेडबोल्ट है ठीक है जो बोल्ट है ना बोल्ट हम यूज करते है ठीक है क्योंकि वहां पे नट का इस्तेमाल नहीं होता ठीक है तो बोल्ट हम वहां पर यूज करते है रीयूज करते है बोल्ट को ठीक है लेकिन नट्स नट्स हेवेवर लूज सम इफेक्टिवनेस विद रिपीटेड यूज री यूजिंग द नट्स डज नॉट ऑलो गुड मैच हैज द फर्स्ट यूज अब जो सब पहली बार जैसा मैच होता है उस हिसाब का मैच दूसरी बार नहीं रहता इसके वजह से हम नट्स को क्या करते हैं नट्स को हम वहां पे नया लगाते बोल्ड को हम यू रीयूज कर सकते ठीक है सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड तो ये जो इसका जो ये है अपना नर्ट्स का जो ये जो आपने को बताया कितना उसका टेंशन लूज हो जाता है ये साइंटिफिक है क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च किया है ये रिसर्च किसने किया है ये बोमन नाम का एक साइंटिस्ट था यूरोप में तो बोमन ने ये रिसर्च करके आपने को ये बताया है ठीक है तो यहाँ पर यही डिस्क्रिप्शन आपने आप यहाँ पर यहाँ पे दिया है ठीक है नेक्स्ट इज द लॉकनट्स ठीक है अभी ये लॉकनट क्या होता है ठीक है लॉकनट्स बोले तो जो लॉकिंग करने के लिए एक स्पेशल टाइप का नट यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं लॉकनट अभी लॉकनट्स और जो ऑर्डिनरी नट्स इसमें डिफरेंस क्या है तो यहां पर देखिए ये जो नट है ना ये नट के ऊपर ऐसा ऊपर का एक शोल्डर होता है और ये शोल्डर के अंदर में ऐसा एक का मटेरियल यहाँ पे बत, बिठाए गए होता है ठीक है अभी जब भी ये नेट अगर हाँ, हम यूज करेंगे ना तो इसको बोलते नायलॉक यहाँ पे नायलॉन यूज किया है नाइलॉन का ये नेट में यूज किया है तो इसके हम नाइलॉन नॉकिंग नट बोलते और उसका जो ट्रेडिशनल जो ट्रेडमार्क है उसको बोलते नाइलॉक नट ठीक है ये जो नाइलॉक लट का खास बात ऐसा होता है कि इसका लॉकिंग अच्छा होता है अभी इसका लॉकिंग अच्छा क्यों होता है मालूम है क्या? अगर हम इस नट को यूज करते हैं ना तब ये क्या होता है जब टाइट करने के बाद ये जो नायलॉन का जो अंदर का जो सरफेस है ये क्या हो जाता है ये अपने को टाइट करने के बाद एकदम ग्रिपिंग एक्शन अच्छा देता है इसका ग्रिप अच्छा बैठता है ग्रिप अच्छा बैठने की वजह से इसका लॉकिंग जो है ना वो ऑर्डिनरी नट्स के हिसाब से अच्छा होता है इसके लिए हम उसको बोलते हैं नाइलॉक नट ओके अभी ये जो अरेंजमेंट है ना इसके वजह से क्या होता है जब भी हमारे ऑटोमोबाइल में वाइब्रेशन होता है ना ये वाइब्रेशन की वजह से ऑर्डिनरी नट में लूजनेस आ जाता है लेकिन अगर हमने ये नायलॉन का अगर ये मटेरियल यहाँ पे यूज किया और ये नट अगर हमने यूज इस्तेमाल किया तो ये वाइब्रेशन की वजह से इसमें लूजनिंग के चांसेस काफी कम हो जाते ठीक है इसलिए हम ये नट लॉकिंग के लिए यूज करते ठीक है तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है सो तो वी विल गो फॉर स्लाइड अभी ये दूसरा नट है ये कैसल नट इसको बोलाते ये कैसल नट क्यों बोलाते क्योंकि इसके ऊपर ऐसा यहाँ पे जो नट है ना ये नट के यहाँ पे ऐसा हमने ये बनाया है स्लॉट बनाया है ठीक है तो जो यहाँ पे उसके नट के जो फेस है ठीक है वो फेस के ऊपर हम ऐसा उसका स्लॉट देख सकते हैं अपने को तो ये स्लॉट का अरेंजमेंट क्यों होता है क्योंकि ये जो लॉक नट है कैसल नट का हम अपना जो एक्सल होता है मोटरसाइकिल में अगर आपने पीछे के टायर का एक्सल देखा होगा तो वहां पे ये कैसल नट यूज करते तो कैसल नट का कैसा होता है कि ये नट के ना ये नट को बोल्ट के ऊपर टाइट करने के बाद वहां पे वो बोल्ट में ऐसा एक छेद होता है होल होता है वो होल में हम उसको क्वार्टर पिन बिठाते हैं और एक क्वार्टर पिन बिठाने के बाद ये पिन अगर ये लूज होगा तो ये वा, 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 अपना नट को ठीक है बोल्ट में से हम नीचे नहीं कर पाता ठीक है तो ये यहाँ पे ऐसा पिन बिठाया होता है क्वार्टर पिन बोलते हैं उसको, पिन के से ये एक अच्छा आपने को देता है, ठीक है ये हम फ्रंट व्हील बेरिंग में स्टेरिंग लिंकेजेस में इसको ये नट को यूज करते हैं, ठीक है थीके? देन होता है ये विंग नट अभी ये जो विंग नट होता है ना इसको हम हाथ से टाइट कर सकते हैं हेल्प ऑफ दिस हैंड वी कैन टाइट. लेकिन ये जो विंग नट होता है ना ये विंग नट लॉकिंग नट होता है लॉकिंग नट बोले तो क्या इसके पहले एक नट होता है ठीक है वो नट को उसके पोजिशन में रखने के लिए हम ये विंग नट यूज करते हैं ठीक है थीके? सो ये हाथ से भी हम इसको टाइट या लूज कर सकते हैं ठीक है दूसरा होता है ये पाल नट ये यह यहाँ पर देखिए ये है अपना पालनट है ऊपर का ये जो है ना दिस इज द दालनट ये का ये नट है ये ऑर्डिनरी नट है ये ऑर्डिनरी नट, नट के ऊपर ये पालनट हम बिठाते ये पालनट है पाल ना ये नट को ऑर्डिनरी नट को इसके जगह पे पोजिशन पे उसको बिठाएगा ठीक है सो दिस इज द टू टाइप नट और इसको ये पालनट को हम जाम नट भी बुलाते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ठीक है ये हाँ। यहाँ पर सभी को समझ में आया या किसी को कुछ दिक्कत है तो अभी आप पूछ सकते हो मुझे इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर ठीक है आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपके ग्रुप पे उसका लिंक सेंड किया जाएगा आप फिर से उसको दोबारा वॉच कर सकते हो ठीक है नाउ नेक्स्ट है अपना वॉशर्स ओके अभी वॉशर्स क्या होता है कि यहाँ पर देखो करेक्ट लोड अभी जो बोल्ट होता है ये बोल्ट के ऊपर प्रॉपर लोड जाने के लिए नट तो लोड सप्लाई करेगा लेकिन वो जो लोड है वो टेंशन है वो प्रॉपर नट के हेड के ऊपर या उसके बॉडी में

आपने ये वाशर को बनाया। लेकिन उसका जो है, वो हार्डनेस इम्प्रूव करने के लिए हम इसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट डायरेक्टली सडनली उसको, उसको वा, वाटर में डीप किया जाता है अगर ऐसा प्रोसेस किया तो इसका हार्डनेस है ना ये हार्डनेस इसका इंप्रूव हो जाता है लेकिन इसका हार्डनेस इंप्रूव हो जाता है लेकिन इसका जिसके में थोड़ा सा ब्रिटलनेस आ जाता है ओके उसका डक्टिलिटी कम हो जाता है उसका ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाता है और इसके साथ इसका हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है ठीक है तो ये जो हीट ट्रीटमेंट ये वॉशर के ऊपर किया जाता है ठीक है अभी नेक्स्ट है व्हाट इज द केस हार्डनिंग वॉशर केस हार्डनिंग क्या होता है कि इसका जो सरफेस है ना ये सरफेस का हार्डनेस काफी ज्यादा होता है और इसका जो सेंट्रल जो बीच का जो पोर्शन है ना उसका हार्डनेस कम रहता है तो ये क्या करते हैं अपने को डकटाइल कॉम्बिनेशन okay, अपने को मिलता है या एंड ब्रिटल कॉम्बिनेशन सरफेस अपना ब्रिटल रहता है अंदर का कोर डकटाइल रहता है ठीक है अपने को अगर जैसे मालूम है ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल जैसे कि आपना ग्लास है ग्लास ओके ग्लास इज अ ब्रिटल मटेरियल ठीक है जो अपना ये होता है वायर्स होता है वायर्स वायर्स को कैसे हमने टेंशन दिया तो वायर क्या होता है स्ट्रेच होता है तो वायर इज अ डक्टाइल मटेरियल तो अलग अलग एप्लीकेशन में डक्टाइल एंड ब्रिटाइल मटेरियल हम यूज करते हैं ठीक है लेकिन इसमें हम क्या करते हैं ये केस हार्डनिंग वॉशर्स में ये हम डक्टाइल एंड ब्रिटाइल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम यूज करते हैं ठीक है तो ये केस हार्डनिंग वॉशर आर हार्ड ऑन द सर्फेस ओके द कोर ऑफ द वॉशर इज सॉफ्ट एंड विल कॉम्प्रेस अलाउिंग द कनेक्शन टू लूज क्लाइम्प फोर्स ठीक है ये क्लैम्पिंग का जो फोर्स होता है ना ठीक है जबी भी आ, उसको हम क्लैंपिंग इस्तेमाल करते है तो क्लैम्पिंग के वक्त क्या हो जाता है कि आपने को फोर्स इसके ऊपर आता है ये सर्फेस के ऊपर आता है ठीक है जबी भी इसके ऊपर फोर्स आता है ठीक है तो ये जो इसका सर्फेस है ये सर्फेस आप ना क्या होता है हार्ड होता है ठीक है अगर हमने ये यहाँ पे सॉफ्ट सरफेस अगर यूज किया तो ये क्या हो जाएगा वॉशर से थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा बराबर है ना तो ये डिफॉर्म नहीं होना चाहिए इसके लिए इसका सरफेस हार्ड होता है इसको हार्डनेस की वजह से इसका डिफॉर्मेशन नहीं होता अगर ये डिफॉर्म हो गया तो क्या क्या हो जाता है कि वो जब हम नट को लूज करते हैं ना तो नट को लूज करने में आपने कोई ज्यादा डिफिकल्टी आती है तो इसके वजह से इसके ऊपर जो हार्ड सरफेस होता है ना तो नट को अपने को जब हम लूज करते हैं जब आपने को नट निकालना पड़ता है तो इसके लिए ये क्या करता है, आपने को आसानी देता है निकालने के लिए ठीक है और ये क्या करता है वॉशर जो फोर्स है वो फोर्स बॉल के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है ये बोल के एक सरफेस पे ज्यादा फोर्स बोल के दूसरे सरफेस पे कम फोर्स ऐसा नहीं होता वो हमेशा इवनली फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर इवनली फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बोल का लाइफ है वो ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है देन आर आल्सो टू प्रोवाइड हार्डन सरफेस फॉर अ बोल्ट टू एक्ट अगेंस्ट दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट वेन मटेरियल क्लैम इज नॉट अ स्टील ओके एवरी पॉइंट जीरो जीरो इंच ऑफ बोल्ट रिलैक्सेशन विल कॉस्ट अबाउट थर्टी थाउजेंड पाउंड स्क्वेर इंच ऑफ क्लैंपिंग फोर्स जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बोल्ड में अगर इतना वैल्यू इत, है का आ गया। तो इसके वजह से जो क्लैम्पिंग हम जो देते उसके ऊपर थर्टी थाउजेंड पी एस आई का उतना उसके ऊपर लॉस आ जाता है ठीक है नेक्स्ट इज लॉक वाशर कैन भी स्प्लिट ऑफ स्टार स्टार वॉशर्स कैन भी इंटरनल और एक्सटर्नल और कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है तो ये हिसाब से ये स्टार वॉशर या ये सारे वॉशर जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्लैट वाशर स्प्लिट वॉशर इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो हम यहाँ पे बोलते कि फ्लैट अगर हमने यूज किया ठीक है फ्लैट अगर हमने यूज किया तो क्या हो जाता है कि ये जो कांटेक्ट है ना सरफेस कांटेक्ट अपने को मिलता है नट और वॉशर के साथ में सरफेस कांटेक्ट अगर हमने ये जो स्टार uh, वॉशर अगर हमने यूज किया ना तो अपने को यहाँ पे लाइन कॉन्टेक्ट मिलता है ये लाइन जो है ना इसका कॉन्टेक्ट रहेगा यहाँ पर हमने देखो लाइन कॉन्टेक्ट है ठीक है अगर हम क्या करेंगे सपोज इसको हमने यहाँ पे बिठाया है और नट को अगर हमने टाइट किया तो हम क्या करते हैं कि हम अगर इसके जो ऊपर के ये जो स्लॉट्स है इसके ऊपर के स्लॉट से अगर हमने इसको थोड़ा सा बीच में फ्री किया तो ये क्या करेगा थोड़ा सा नट का जो क्लैम्पिंग फोर्स है ना वो क्लैंपिंग फोर्स को थोड़ा सा ईज करेगा ठीक है जिसके वजह से आपने को क्या करेगा बाद में नट निकालने के लिए थोड़ा सा आसानी आपने को मिल जाएगा तो ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वॉशर्स ठीक है तो आज के लिए इतना ही ठीक है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द लेक्चर ओके इन दिस नट्स एंड वॉशर

हा बोला तुषार कधीपासून स्टार्ट होणार आहे आपलं अरे कॉलेजचं कसं अजून जे हे ना तुमचे जर का दोन डोस झालेले असतील म्हणजे दोन व्हॅक्सिन झाले असतील ठीक आहे त्याच मुलांना इथं यावं लागेल मग तुम्ही काय करा ऑफिस पशी तुमची इन्फॉर्मेशन द्या की माझे दोन डोस झाले एक डोस झालाय ठीके मग ऑफिस पशी जर का तुमच्या ग्रुपवर मेसेज टाकलाय आपण तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये डाटा द्यायचा आहे की तुमचे किती व्हॅक्सिन झालेले आहेत मग ते जो तो डाटा आहे ना त्या डाटाच्या अनुषंगानं डिसिजन घेता येईल की किती मुलांना आपण बोलवायचं लेक्चर साठी आणि ते पण किती फिफ्टी पर्सेंट अटेंडन्स न बोलवायचं आहे लेक्चर साठी फिजिकल साठी तोपर्यंत आपण वर्कचे सुरु पण घेणार ना हा सॉलिड वर्कचे क्लासेस हो हो सॉलिड वर्कचे क्लासेस घेणार होते पण ते जे वर्कशॉप होतं त्या वर्कशॉप मध्ये होते का तुम्ही पार्टिसिपंट पार्टिसिपेट सर मी लेट जॉईन झालं होतो बर 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 ठीक आहे सॉलिड वर्कचं कसं असणार आहे आपल्याला ते ऑनलाईन मध्येच घ्यावं लागेल पण त्यासाठी तुमच्या पाशी एक लॅपटॉप असणं फार गरजेचं आहे लॅपटॉप सॉफ्टवेअर देईल मी तुम्हाला सॉफ्टवेअरचा नो इश्यू फक्त लॅपटॉप असणं गरजेचं आहे चांगल्या कॉम्पिटेशनच कारण की आपल्याला लॅपटॉप आहे ज्यांचं ज्यांचं लॅपटॉप आहे ना मी एक ग्रुपवर एक हे पाठवल आपल्या आता चे जे वॅकेशन्स आहेत ना त्याच्यामध्ये मी एक लिंक पाठवल त्या लिंक मध्ये मी तुम्हाला एक गुगल फॉर्म असेल त्या गुगल फॉर्म तुम्हाला फिल अप करून द्यायचं आहे त्या गुगल फॉर्मच्या अनुषंगाने आपण तो एक कोर्स कंडक्ट करू सॉलिड वर्कचा ठीक आहे आणि हे कसं असणार आहे मागच्या वेळेस ज्या वेळेस आपण वर्कशॉप कंडक्ट केलं होतं तर काय होतं माहिती का ऑनलाईन मध्ये ना असा लॅग येतो म्हणजे मी एखादी इकडे कमांड युज केली ते तुम्हाला दोन तीन सेकंदा नंतर ना ती कमांड दिसते मग त्यानं काय होतं ते व्यवस्थित ट्रेनिंग देता येत नाही मग मी काय करणार आहे मी माझं एक लेक्चर रेकॉर्ड करणार आहे आणि हे जे रेकॉर्डेड लेक्चर आहे ना हे तुमच्या ग्रुपवर सेंड केलं जाईल से। तुमचा एक सेपरेट ग्रुप बनवला जाईल वर्कशॉपसाठी त्याच्यावर ते तुमचं लेक्चर पाठवलं जाईल आणि मग ते लेक्चर बघत बघत तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकाल त्याच्यामध्ये असा फंडा आपण युज करणार आहोत वर्कशॉपसाठी यस चालेल अजून अजून काही कोणाला डाऊट आहे का ओके तर मी आता आपलं लेक्चर स्टॉप करतो आणि याचा व्हिडिओ तुमच्या ग्रुप वर त्याची लिंक पाठवतो ठीक आहे ओके सर, सर.